हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आरडीएस पॉलिटेक्निक कॉलेज आगरा। मैं हूं जितेंद्र सिंह और आज हमारा बीईई का नेक्स्ट लेक्चर है। इस लेक्चर में हम देखने जा रहे हैं ओम्स लॉ क्या होता है और हम जानेंगे ओम्स लॉ कैसे एक हमारी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की नीड हो गया है, इसके बिना हम सर्किट सॉल्व नहीं कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं ओम्स लॉ क्या होता है। देखिए, ओम्स लॉ का आपने जो अभी तक पढ़ रखा हो सर, पोटेंशियल डिफरेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट होता है, या कह सकते हैं विभवांतर करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है, या आपने पढ़ा है। लेकिन इससे इम्पोर्टेंट चीज़ जो बच्चे भूल जाते हैं वो ये है कि ओम्स लॉ को वैलिड रहने के लिए एक चीज चाहिए, वो है फिजिकल क्वांटिटी लाइक प्रेशर, टेंपरेचर एंड लेंथ और एरिया, जो भी फिजिकल क्वांटिटी रहती है वो रिमेन कॉन्स्टेंट रहने चाहिए। फिजिकल कॉन्टैक्ट, फिजिकल आपकी प्रॉपर्टीज चेंज नहीं होनी चाहिए फॉर फुलफिल द ओम्स लॉ। ओम्स लॉ वायलेट करता है, काम नहीं करता है अगर इनमें से कोई भी चीज चेंज होती है तो। कहता क्या है, द पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कंडक्टर। मतलब जैसे ये कंडक्टर है आपके पास, कंडक्टर का मतलब एक बल्ब ले लीजिए या बल्ब कुछ भी ले लीजिए आपके पास, अगर इस पे हम कोई पोटेंशियल लगाएं, पोटेंशियल मतलब हमने बैटरी लगाई, तो इस बैटरी पर यहाँ पर जो पोटेंशियल बनेगा वो इसमें रहने वाले करंट के प्रोपोर्शनल होता है। उतनी करंट रहेगी जितना पोटेंशियल लगेगा, ये जाते ही हैं तो वी डायरेक्टली आई कहते हैं हम इसको। तो बल्ब में आपके कुछ भी हो सकता है, कोई भी मटेरियल हो सकता है, एलिमेंट हो सकता है। बी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई, बी इक्वल्स टू आई आर, वेयर आर इज द कांस्टेंट, आर एक कांस्टेंट है जिसका नाम रेजिस्टेंस है। क्या है बच्चों, रेजिस्टेंस है। आर का यूनिट क्या होगा, आर इक्वल्स टू बी अपॉन आई होता है, बी का वोल्टेज, आई करंट एम्पियर, तो आर का जो यूनिट है स्टैंडर्ड वो ओम। इसीलिए वो एक जर्मन साइंटिस्ट थे जिनका नाम जॉर्ज ओम्स था, जिनका नाम जॉर्ज ओम्स था, जॉर्ज साइमन ओम था, उनके नाम पर ये दिया गया। तो आई होप आपको ओम्स का नियम समझ में आया होगा। अब एक सर्किट के नियम से बताता हूँ आपको कि ओम का नियम कैसे लगाया जाता है। आइए बच्चों देखिए, अब हम क्या करने जा रहे हैं, हमने ओम्स का पढ़ा, ओम्स का बड़ा सिंपल है, IR के बारे में, यानी इसको लगाना है आपको, लगा कैसे हम लगाते हैं, बेसिक है बी इक्वल्स टू आई आर कैसे लगाते हैं। देखिए, एक आपको तीन पैरामीटर्स हैं इसके पास, वोल्टेज, करंट और रजिस्टर। आपको रजिस्टर नहीं पता होगा तो आपको दो चीज़ें वोल्टेज और करंट पता होगा, करंट नहीं पता होगा तो ये दो पैरामीटर्स पता होंगे। मतलब कोई भी एक चीज़ पता होगी, कोई भी एक चीज़ अनोन होगी, दो चीज़ें नोन होंगी। ठीक है, तो मैंने तीन सर्किट बनाए हैं, इन सर्किट में हम फाइंड आउट करते हैं करंट, वोल्टेज और रेजिस्टर क्या है। जैसे जैसे वो पूछते हैं एग्जाम्पल वैसे देखते हैं। ठीक है, आइए पहले वाले केस वन में इस पहले सर्किट में देखते हैं। ये एलिमेंट है, हम किसी भी कंडक्टर, कुछ भी हो सकता है, टीवी, फ्रिज, कूलर, पंखा, कुछ भी हो सकता है, कंडक्टर बोल सकते हैं उसको, जिसमें करंट बहती है वो कंडक्टर कहलाता है। ठीक है, इस रजिस्टर के अंदर ये दो ओम का रजिस्टर है, इस पर 5 वोल्ट की बैटरी हमने लगाई है। मैं बच्चों ध्यान दीजिए, मैं आपको ये नहीं बता रहा हूँ करंट किधर फ्लो करेगी, प्लस माइनस किधर होगा, मतलब वोल्टेज इस पर प्लस माइनस आएगा या माइनस प्लस आएगा या करंट ऐसे बहेगी वैसे, वो मेरा नेक्स्ट लेक्चर पर केवीएल केसीएल वहाँ आप समझ पाएंगे। ठीक है, अभी मैं आपको बता रहा हूँ सिंपल बी इक्वल्स टू आई। तो क्या कर रहा है इसमें, 5 वोल्ट की बैटरी लगी है, दो ओम लगा है, तो हमारा फॉर्मूला क्या है, बी इक्वल्स टू आई आर। आई कितना है फाइंड आउट करना है, बी कितना है 5 वोल्ट रख दिया, आई कितना है निकालना है, आर कितना है 2 ओम, तो हमारा आई कितना है 2.5 एम्पीयर। आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 2.5 एम्पीयर। नेक्स्ट में आइए, नेक्स्ट सर्किट आपको जो दिख रहा है, सर्किट मतलब एक घर समझ सकते हैं, नॉर्मल एक घर जिसमें एलिमेंट्स लगे होते हैं, जैसे आपके घर में कूलर, पंखा लगा हुआ है, फ्रिज वगैरह, ऐसे ही एक सर्किट के अंदर एलिमेंट्स लगे रहते हैं, रजिस्टर, कैपेसिटर, कुछ भी लगा रहता है उसको सर्किट बोलते हैं। ठीक है, ये 10 वोल्ट की बैटरी लगी हुई,
रजिस्टर है जिसका हमें मान निकालना है, कितना रजिस्टर है और इसमें करंट कितनी बह रही है, ठीक है। तो हमने लगाया कि आई कितना है 10 वोल्ट, आई कितना है 2, आर कितना निकालना है, तो आर कितना है, आर आ गया 5 वोल्ट, ठीक है 5 ओम आपका आंसर आ गया। इसमें हमें रजिस्टर निकाल लेना। नेक्स्ट सर्किट में आइए, नेक्स्ट सर्किट में क्या हो रहा है बच्चों, नेक्स्ट सर्किट में हम देख रहे हैं कि 5 एम्पियर की, इसको 4 एम्पियर देते हैं, 4 एम्पियर का करंट सोर्स है बेटा, इसको करंट सोर्स बोलते हैं, इसको वोल्टेज सोर्स बोलते हैं, जो वोल्टेज प्रोवाइड करता है वोल्टेज सोर्स, जो करंट प्रोवाइड करता है करंट सोर्स। ये करंट सोर्स है, ये रजिस्टर है 2 ओम का, इसका वोल्टेज निकालना है, तो सिंपल फॉर्मूला लगाएंगे V=5R, वी कितना है हमारा निकालना है, आई कितना है 4 और 2 × 8 वोल्ट हमारा आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे हम ओम्स लॉ को निकालते हैं, बड़ा सिंपल है, ठीक है। एसी में एसी सिस्टम में पढ़ेंगे तो वी आई आर की जगह आर अगर इंडक्टर में लग रहा है या फिर रजिस्टर में लग रहा है, इंडक्टर में लग रहा है तो वहां पर एक्सएल आ जाता है और अगर कैपेसिटर में लग रहा है तो एक्सी आ जाती है, होता क्या है देखिए आगे एसी एनालिसिस में, देखिए ओम्स लॉ हो गया आपको, ठीक है। इसके देखिए मैंने यहाँ इसी सर्किट में ये नहीं बताया कि करंट ऐसे घूमेगी या करंट ऐसे जाएगी, प्लस आएगा या माइनस आएगा, इस कंडक्टर पर प्लस आएगा या माइनस आएगा, ये मेरी नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे जब हम केवीएल और केसीएल किरचॉफ वोल्टेज लॉ और किरचॉफ करंट लॉ करेंगे, उसके बाद बहुत सारे क्वेश्चन कर पाएंगे। तो आपको ये ओम्स लॉ समझ में आया होगा, आपको जो डाउट होंगे आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, और आपको फिर भी कोई डाउट है तो jitendrasinghmtc@gmail.com पर आप मुझे मेल कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, हैव अ नाइस डे।